अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। सो, आज है संडे का दिन और आज मैं इतना कोई टका के सोई हूँ ना, ऊपर से मेरी फैमिली भी 2 बजे तक उठने का नाम नहीं लेती है, तो फिर मैं भी सोई रहती हूँ कि चलो अब आज नींद ही अच्छी तरह से पूरी कर लो। सो, मैं 2 बजे तक उठी थी टका के सो के, क्योंकि जैसे ही आपको पता है कल मैं बहुत ज़्यादा थक के घर पहुँची थी। सो, हुआ हुआ ये है कल से कि मेरा जो टिकटॉक अकाउंट है, वैसे मैं यूज़ नहीं कर रही थी काफ़ी सालों से ना, जब मैं पहले टिकटॉक यूज़ करती थी तो वो ना मेरी वीडियोस जब मैं लगाती थी तो वो वायरल होना शुरू हो गई। मैंने क्या किया, डर के ना मैंने अपना अकाउंट प्राइवेट कर लिया। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, मुझे नहीं ये करना। बाद में अब कुछ सालों बाद फिर से मेरा जो जज्बा है वो जागरूक हो गया कि नहीं नहीं टिकटॉक पे भी मुझे यूज़ करना चाहिए अपना जो कंटेंट है वो अपलोड। खैर, मैं अब थोड़े दिनों से ना उस पर अपलोड कर रही थी चीज़ें। हुआ ये कि वो अचानक से मेरा टिकटॉक अकाउंट हो गया लॉग आउट खुद ही ऑटोमेटिकली। तो वो वैसे तो लॉग इन ही था, और मुझे पता नहीं क्या है, फोबिया है कि एक बार जब अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा तो वो शायद लॉग इन होना ही नहीं है दोबारा, और ऊपर से मुझे पासवर्ड भी नहीं याद रहते हैं बिल्कुल भी। सो, वो जो है ना कोड के ज़रिए हो जाता है लॉग इन, तो वो इस बार हो ही नहीं रहा। मैं उसको कर करके लॉग इन टिकटॉक को थक गई हूँ, बट वो लॉग इन नहीं हो रहा है और उसका पासवर्ड भी रीसेट नहीं हो रहा है। सो, मैंने अपने भाई से कहा है, वो अब कह रहा है कि उसको ठीक करेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो नहीं ठीक होगा, तो जिसकी वजह से मुझे बनाना पड़ जाएगा नया अकाउंट। खैर, ये ज़िंदगी के मसले हैं, कोई बात नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, सारा कुछ अच्छे ही रह जाना है, कुछ भी नहीं नाल जाना, ये तो बस चलो शुगल मेला है जो हमने लगाया हुआ है। खैर, अल्लाह पाक जो है वो करे कि मेरा अकाउंट लॉगिन हो जाए। खैर, आज के व्लॉग की मैंने शुरुआत कर दी है और रहे मेरे साथ। आज का शाम तो हो गई है, मगरिब होने लगी है, तो दिन देखते हैं कि कैसा संडे का घर रह के गुजरता है। संडे को मुझे यही होता है कि मुझे कहीं ना जाना पड़े, मैं घर में ही सारा टाइम स्पेंड करूं और फरागत जी के जो लम्हात हैं उनको मैं इंजॉय करूं, क्योंकि मैं बहुत मिस करती हूं कि जब मैं फ्री थी तो तब मैं कहती थी कि मैं बिज़ी हो जाऊँ। अब मैं बिज़ी हो गई हूँ तो मेरा दिल करता है कि नहीं, मुझे फ्री भी रहना है, मुझे कुछ नहीं करना और मुझे बस आराम करना है। तो ये हालात होते हैं, मतलब इंसान इतना ना शुक्र है ना कि हर हाल में उसको कुछ ना कुछ चेंज ही चाहिए होता है। खैर, रहे मेरे साथ जी। तो जनाब, हर संडे की तरह मैं पहुँच चुकी हूँ भाभी के पास और भाभी ने मुझे ज़बरदस्ती लगवा दी है लिपस्टिक। कह रही हूँ तुम बहुत बुरी लग रही हो विदाउट मेकअप। आप कहाँ जा रही हैं तैयार शहर होके? कहीं भी नहीं, आज संडे था तो चलो मैंने कहा थोड़ा तैयार हो जाऊँ। सही है, तैयार रहना चाहिए, मिलती बच्चों के साथ ना। हाँ बिल्कुल, के बाबा ने भी आज जल्दी घर आना है, ओ इसलिए चलो माशाल्लाह। इतनी नहीं ना करते तो जल्दी आ जाते हैं। सही, ठीक। तुम छुट्टी हो तो तुम भी नजर आती हो। हाँ, वैसे पूरा हफ्ता मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता कि मैं ऊपर आऊँ, बस सबा ने तब भी नजर आना है अब संडे वाले दिन। हाँ, मैंने बताया मैं हर संडे को ऊपर आया करूँगी। और क्या बनाया शनाया आज? मैंने आज ना मटन बनाया। मटन? हाँ सही। और कुछ समझ ही नहीं आई, वेजिटेबल इसके बाबा खाते नहीं तो चिकन भी कितना खाना होता है। सही। हाँ बड़ा अच्छा। नहीं क्या, नहीं बिल्कुल सही है, कुछ नहीं होता, अब हो ही जाता है बंदा। फिर वर्कशॉप करो, ये क्यों रही जा रहा है, इसको चुप कराओ, उठाई रखे मुझे। सही है, इसको चुप कराओ यार। हाँ चलो चलो जी, भाभी से बातें शायद करके मैं जल्दी से नीचे जाने लगी हूँ, क्योंकि नीचे आ गई है मेरी दोस्त बहुत अरसे बाद, उसको मुझसे काम पड़ा है, फिर आई है, पूछ रही थी कि कोई दर्जन का पता बताओ, मैंने अर्जेंटली अपने ड्रेसेस सिलाने हैं। सो मैंने उसको बताया है अपनी दर्जन, जो मेरी कज़न है एक, वो ना बहुत अच्छे कपड़े सिलाई करती है। सो अब मैं उससे जा रही हूँ नीचे जल्दी से मिलने के लिए, तो आ जाएँ आप लोग भी मेरे साथ, फिर मैं और भी कपड़े दे दूँगी। हाँ, ये प्यारा सा भी ये ट्राई करेगी ना, वैसे तो ये अच्छे ही सीती हैं, तो ये कब तक दे देंगी फिर? ये आज क्या देंगे, संडे है। हाँ जी, आपको कब चाहिए? मुझे तो चाहिए ही है, मैं अच्छा सबा के साथ जाती हूँ। हाँ जी, ये बाजू और घेरे की कि मेरे पास कितना कपड़ा है, उसमें कितने लाइट से प्लेट डाल सकते हैं, तो ये जब बना देंगे ना मैं इस पे बटन्स लगा लूंगी। अच्छा, वो ना लगा डाल, लेस ना लगा, ये अमीर को सेंड कर देना ना। लेस जो है ना आपने बस घेरे पे लगानी है, और ये बंद बनाना है। नहीं, ये खुला है, खुला है, देखिए ये खुला है, चौक की तरह। हाँ जी, बस ये आगे
मैं बस ये है कि थोड़ी देर ही बैठी थी मेरी दोस्त, और शुक्र ये है कि मैंने अपनी कजन को फोन करके पूछ लिया कि वो घर है कि नहीं, तो वो उसने कह दिया कि वो घर नहीं है, तो फिर हम नेबर्स में जो हमारी दर्जन है उसके पास चले गए थे उसको ड्रेस देने के लिए, तो सारी डिजाइनिंग वगैरह बता के आ गए थे, तो वो कह रही थी कि मैं खुद ही पिक कर लूंगी, और यहाँ पे फिर मैंने उसकी थोड़ी सी खातिर तवाजा की। लग रही हूँ मैं वाकई घर में, गाइस संडे ऐसे ही होता है। ओके अल्लाह हाफिज़ अक्सा बाय। आज मुझे व्लॉग का एंड करना याद ही नहीं रहा, ये शुक्र है मैं सोने के लिए लेट गई थी, लेकिन अम्मी ने आते ही ना लाइट जला दी घर में, तो मैंने कहा चलो मैं व्लॉग का एंड कर दूँ। यही था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे व्लॉग्स अब अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको बोर नहीं होने देती, पूरी कोशिश करती हूँ। और अगर अभी तक आप मेरा चैनल देख रहे हैं, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दें। दुआ में रखिएगा याद, अल्लाह हाफिज़।